So I bought this t-shirt at rupees 50 only. Hi all, welcome back to my channel. मैं अभी आपको अपनी वार्डरोब दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो चलो मैं अब आपको अपनी वार्डरोब दिखाती हूँ या फिर आप इसको क्लोजर कह सकते हैं और कई लोग इसको कबर्ड भी कहते हैं। मैं इसको कबर्ड और वार्डरोब कहती हूँ, पर एक डिस्क्लेमर है, सो डोंट जज मी। जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, तो आर यू रेडी? 1 2 3 गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर। ये मेरा पोर्शन है और ये वाला मेरे बहन का पोर्शन है और अभी ये सब कुछ मैस हुआ पड़ा है और अभी एक महीना हो गया इसको तब से ऐसे ही, तो मैं अभी इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। अभी मैं दो यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे यही लगता है इनको जब हम बेड पे डालते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या बेस्ट लगता है, इनको ऑर्गेनाइज करना या फिर इनको यहाँ पर डालना। और अभी यहाँ पर लेट जाओ, अब ये यहाँ पर डाल तो दिया फिर पर अब इसको दोबारा उसमें डालने की हिम्मत नहीं हो रही। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें सारे कपड़े एक साइड रखने हैं ताकि हम इनको एक एक करके फोल्ड कर सकें। तो मैंने इनको यहाँ पर रख दिया, अब मैं इनको फोल्ड करती हूँ और तब तक मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो मैं कह रही थी मेरे सोच नहीं का वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वो इस वीडियो में ही आएगा, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि मैं वहां से क्या करूँगी। तब तक आप इसको देखो और एंजॉय करो। सो सेकंड स्टेप ये है कि जो बाहर जाने के कपड़े हैं वो मैंने एक साइड रख लिए और घर जाने के कपड़े एक साइड और जो जीन्स वगैरह है वो मैं एक साइड। A few moments later. The wait is over और मैं आपको सोचने के कपड़े दिखाऊंगी जो वहाँ से लाई हूँ, पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी ज्यादा, पर आपको सब दिखाऊंगी अब जो भी वहाँ से लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सो आई बोट दिस टी शर्ट एट रुपीज 50 ओनली और ये मेरे को बहुत अच्छी लगी थी तो इसको मैं लेके आ गई, पर मैं आपको पैंट भी दिखाऊंगी और फिर बताना कि कैसी लगती है। आप इसको पैंट बोल सकते हैं वाइट पैंट, ये मेरे को 200 में मिली थी, वो 250 की बोल रहे थे पर मैंने 200 में लिया इसको। और फिर मैं आपको ये शर्ट और ये वाली पैंट, ये वाली शर्ट मैंने 100 में ली थी और ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। मैं शर्ट तो पहन लेती हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लेती हूँ। एक मैंने ली थी ये जीन्स और ये मेरे को मिली थी 200 में, वो भैया बोल रहे थे 300 की पर फिर हम लगा ली थी और ये मुझे मिली 200 में।
रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं हमें सोचने से। और फिर मैंने एक टॉप लिया था जिसकी सीज फुल है और थोड़ा ऐसा शॉर्ट टॉप टॉप बोल सकते हैं इसको। 200 ओके। अब मैं आपको एक कुर्ती और दिखाती हूँ। ये चिकन करी कुर्ती ली थी मैंने 300 रुपीज में। और भी लाई हूँ और इसका सब जानते होंगे। Excuse me, brother. Brother T-shirt. Excuse me, sister top. Excuse me. ये 50 में मिली थी। दो चीजें हैं। क्रंच, इसका पैसे भी डाल दिए। मतलब ये 20 रुपीज की मिली थी और ये भी 20 रुपीज। ये बड़े ही क्यूट लगे। और ये इयररिंग्स, ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स भी मेरे को बहुत अच्छे लगे थे तो ये भी मैं दिया नहीं है 50 रुपीज। एंड द लास्ट थिंग मुझे बहुत ही अच्छे लगे तो मैंने को ले लिया। ये भी मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। मैं सब की फोटोज यहाँ पे अटैच कर दूंगी और देख लिया। So if you like it, don't forget to subscribe my channel and like the video. Or bell notification bhi on kar lena taki aapko videos ke update milte rahe. Okay, bye.